यहाँ के बीजेपी के बहुत बड़े बीजेपी के हाँ नेता कौन कौन विजय गोयल जी ने विजय गोयल हाँ बताइए बताइए आज आज मैंने सुबह ही पेपर पढ़ा पेपर भी आप पढ़ते हैं भैया पेपर पढ़ते हैं आज तो ये पेपर पढ़ के बीड़ी भी पीते हैं पेपर पेपर पीता हूँ तब जब पहले पढ़ने के बाद में दारू अरे तेरी की जय रहो मतलब पेपर पढ़ने के बाद दारू भी दारू 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 पहले लेता हूँ जाता हूँ वसंत रोड पहले खाना लगवाता हूँ पहले बोलता हूँ रायता लगा रायता लगा रायता पहले रायता लगा फिर वो पानी ठंडा रख चटनी और ज़्यादा चाहिए हाँ चटनी ज़्यादा चाहिए चटनी ज़्यादा डाल फिर मैं बोलता हूँ वो बेटर परेशान है सर आप जाके मेरा इंटरव्यू मान लो आप बसंत रोड पे जो आप रेलवे हॉस्पिटल देखा है जो रजिस्टर्ड है केंद्रीय क्या मतलब इंडियन हॉस्पिटल रेलवे तो उसके तरफ एक होटल है तो टू टाइम सलाम सलाम इसलिए किया कि आप जिस तरह से मोदी जी कहते हैं ना कि क्या होता है कि स्वच्छ अभियान चलाऊंगा सारा पैसा उसी में झोंक दूंगा मोदी जी तो कहते हैं मित्रों बात सुनो मोदी जी के भाषण सुनो मोदी जी के भाषण सुनो एक मिनट नमस्कार दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जैसे आप समझ रहे हैं दिल्ली और दिल्ली में मोदी जी से ललकारते हैं और चिल्लाते हैं कि स्वच्छ अभियान होगा लेकिन इनको मैं सलाम करता हूं पहले तो सलाम करता हूं इसलिए कि स्वच्छ अभियान और स्वच्छता तो असली कर्तव्य आप निभा रहे हैं क्यों गलत कह रहे हैं बड़े भाई आप हमारे को सलाम कर रहे हो हम आपको सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल सभी तरीकों से सलाम कर रहे हैं अरे वाह 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 आप इतना मेहनत कर रहे हैं एकदम जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ अभियान चल रहा है स्वच्छ अभियान में कैसे आप मोदी मोदी बार बार मत बोलिए बड़ा दिमाग खटक जाता है मोदी से जलन है क्या आपको जलन इस बात की है कि मोदी जी तो कहते थे कि हम 15 लाख हर खाते में डालेंगे तो आपके खाते में नहीं आया अब आप यही कहोगे कि आपका खाता ही नहीं है नहीं नहीं कई बातें ऐसी कही जाती बात सुनो आप बताइए कई लोगों का खाता नहीं है मैंने माना है कि उनके खाते में पैसा नहीं आया मोदी जी का एक और वादा था कि हम दाऊद को 15 दिन में पकड़ के लाएंगे तो फिर मोदी जी से पूछो ना ये क्वेश्चन तो चलिए जिस तरह से आप मोदी जी से अब क्या कहें अब आप जिस तरह से आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सर, बस बुरा एक ही काम कर रहे हैं कि आप बीड़ी पी रहे हैं सर वन मिनट वन क्वेश्चन सर आप मेरे को आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार रहे हो मैंने मेरे को कोई दिक्कत नहीं मगर एक क्वेश्चन मैं भी आपको मार सकता हूं मारिए क्या शराब महंगी है या पेट्रोल आपने बहुत बड़ी क्वेश्चन हमसे कर दी कि शराब महंगी है कि पेट्रोल मोबाइल को थोड़ा सही पकड़िए आप तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि पेट्रोल बहुत महंगा है और शराब सस्ता है वन मिनट दूसरा क्वेश्चन पे भी आप ऐसी तरीके से करिए कि शराब ज़्यादा बिकती है या पेट्रोल हमें तो लगता है कि जहाँ तक कि पेट्रोल ज़्यादा बिकता है शराब बिकता है शराब अरे बाप रे बाप क्यों आप झूठ क्यों बोले किसी से भी पूछ मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि आखिर पेट्रोल इतना नहीं बिक सकता जितनी शराब बिकती है सच्चाई है जब आप कैसे प्रूफ कर रहे हैं कि मतलब शराब ज्यादा कैसे प्रूफ कर पाएंगे आप इस सीपी के अंदर देखिए बात सुनो वन मिनट आप चेक कर लो कितने पेट्रोल पंप है यहाँ पे कनॉट प्लेस के अंदर उनका कैश जमा कर लो और इस कनॉट प्लेस के अंदर मेरी जानकारी के अंदर 8 ठेके हैं और आप इन सारे पेट्रोल पंप का कलेक्शन चेक कर लो और 3 ठेके दे दो मुझे बराबरी कर दो इनका कहना है सच्चाई कि पेट्रोल नहीं दारू सबसे ज्यादा बिकता है और फिर भी कहते हैं कि हमारा भारत घाटे में जा रहा है वन मिनट साहब जी अभी इस पे भी एक बात आपने बहुत बड़ी बात कही है मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्यों कि लोग कहते हैं शराब इन्होंने सस्ती बांटी है अरे केजरीवाल साहब हाँ बात सुनो मैं मानता हूँ कि केजरी साहब जी ने शराब सस्ती बांटी है मगर आप किसी भी ठेके पे जाओ तो कहते हैं सरकार ने नहीं दी है ये शराब शराब हम अपने अपना जो मेरा मालिक है वो खुद ही आधे आधे में दे रहा फिर भी एक बात कह रहा हूँ चलो केजरीवाल जी ने माना कि शराब दी अब एक बात बताओ आपने शायद आप इतना तो ज्ञान रखते होगे हाँ बताइए 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 हरियाणा से जो शराब आती थी जैसे बेस्टो संतरा 50 का संतरा
और 70 का जो वेस्टो पिएगा आज उसी बिली को 50 की। आप कितना पीते हैं, आप कितना पीते हैं? मैं लगभग पी लेता हूँ, क्षमता का हिसाब नहीं है, मगर जो मिल जाए वही। अच्छा, कितना पी लेते हैं कबाड़ बेच के? आप कितना पी लेते हैं कबाड़ का काम करके? वन मिनट, कबाड़ बीनने का मतलब ये नहीं होता, कबाड़ की कीमत कोई नहीं होती। कबाड़ में हमें सोना मिल जाए तो 2000 की कमाई हो गई, तो हम 2000 की पी सकते हैं। अरे वाह, मतलब पूरा 2000 का पी जाएंगे? रखेंगे किसके लिए? चोरों के लिए। परिवार नहीं है? परिवार नहीं है, इसीलिए तो रो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि समंदर पीर के अंदर मगर वो रो नहीं सकता, ये आंसू पीर का मोती जिसे वो खो नहीं सकता। मेरी यादों को दुल्हन तुम बना लेना, मगर सुन लो, जो मेरा हो नहीं पाया किसी का हो नहीं सकता। थोड़ा मैं राहुल गांधी गम में है, गम में राहुल गांधी जी के गम में है। सुनो सुनो सुनो, मैं किसी का नाम लिए बगैर, हमारे कुमार विश्वास जी ने कहा है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर इस अधूरी जवानी का क्या फायदा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? बिन कथानक कहानी का क्या फायदा? जी जी, जिसमें धुल कर न जीवन ये पावन बने। क्या बात है, ऐसे आँखों में आंसू का क्या फायदा? तो आखिर क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों जिस तरह से आप संगीत में डूबे हुए, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए है, एक ही क्वेश्चन है उससे कि ये मौला सुख की चादर इतनी छोटी क्यों बनाता है? वाह वाह वाह, ये मौला सुख की चादर इतनी छोटी क्यों बनाता है? सिरा कोई भी खींचो दूसरा खुद छूट जाता है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। क्या बात है, क्या ऐसे लोगों को लोग कहते हैं कि पागल हो गया है, लेकिन पागल की सच्चाई लोग समझते नहीं है कि हकीकत क्या है। बताइए, लोग कहते हैं कि नहीं, ये समाज देखे, देखने वाले बहुत लोग हैं, आप दिखाइए इन लोगों को। हाँ, एकदम वन मिनट आपके साथ, एकदम हम बने रहे, दिखाइए रौनक जी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। अरे वाह वाह वाह, आप तो शेर भी है और दिलेर भी है, दोनों है। आए बताइए, लोग कहते हैं कि मतलब दारूबाज है, तो ये क्या होता है कबाड़ा वाला, इसकी औकात क्या है? कहने दो, आप भी एक इंसान हो, मैं सलाम करता हूँ। जिस तरह से यहाँ की सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान चला दिया, कहने दो लोगों को, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बातों पे, इन बातों पे क्या रहे। आप देख सकते हैं हर जगह हर वाणी में कहीं ना कहीं है कि इस तरह से दिखाई दे रहा है कि दर्द है, लेकिन दर्द सुनेगा कौन, किसको सुनाया जाए? हकीकत कहीं ना कहीं बयां करने पे आ जाती है, बताएंगे। किससे कहूं मैं, क्या कैसे सुनाऊं, इसलिए चुप रहते हैं हमसे अपने, रूठ न जाएं इसलिए चुप रहते हैं। ये महुआ है अंगूरी, इसे पीना बड़ा जरूरी। रफल जी इधर चाहिए। ये महुआ है अंगूरी, इसे पीना बड़ा जरूरी, चाहे बर्तन तक बिक जाए, ये भोजपुरी है, चाहे बर्तन तक बिक जाए, जब तक पौआ लगे नहीं तब तक तो चैन ना आए। महुआ है अंगूरी। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम दिवाकर दीक्षित फ्रॉम हरदोई, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। अरे इंग्लिश भी बोल लेते हैं, ए बी सी डी। अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे होता है अनपढ़। अभी से मतलब बहादुर नहीं, ऐसे बात सुनो, ऐसे ऐसे होता है अनपढ़। इंग्लिश का मतलब ये होता है, ऐसे होता है अनपढ़, और जेड से होता है जेब्रा। जब अगर इंग्लिश बोलोगे ना तो पहले अनपढ़ बनोगे, फिर घोड़ा बनोगे। अच्छा, ऐसे होता है अनपढ़, ऐसे होता है अनपढ़,
नहीं, ऐसे होता है अनपढ़ और जैसे होता है जेब्रा। जेब्रा आपके साथ कौन कौन और कौन कौन आता है? अक्षर का मतलब समझिए, ऐसे होता है अनपढ़, जैसे होता है जेब्रा। अब आप हिंदी में आइए। अच्छा चलिए, आप वन मिनट। ऐसे होता है अनपढ़, आसे होता है अनपढ़ और ग्यासे होता है ज्ञानी। क्या बात। अगर हिंदी सीखोगे तो आप अनपढ़ जाओगे तो ज्ञानी बनोगे, और यहाँ अनपढ़ जैसे भी अनपढ़ हो वहाँ जेब्रा बनोगे। क्या बात है। चलिए फिर से नमस्कार आपको, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये लोग स्वच्छता अभियान की चारों तरफ अगर देखा जाए तो गंदगी को साफ करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरदीप। हरदीप, अरे वाह वाह, हरदीप जी ये सब काम करता ठीक। हाँ बहुत। हाँ ऐसे आगे नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे आगे नहीं बोलेंगे। ऐसे भैया ऐसे ही आप समझ लीजिए, अमीरों के बस्ती में मैं आया और लोग कहते हैं कि गरीब अनपढ़ गंवार करेंगे क्या, लेकिन उनके हृदय के अंदर अगर आप जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो विलास छुपी है लेकिन उसको बता नहीं पाते हैं लोग। चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।